क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का एक चालाक कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, सितंबर के महीने में 15 सितंबर को खेला जाना है इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मुकाबला। दोस्तों, आपको बता दूं, इसी के लिए T20 टीम भारतीय टीम की घोषित हो चुकी है। ऐसे में कई सारे बड़े नाम गायब हैं भारतीय टीम में T20 सीरीज के लिए, जहां वहीं पहले के धुरंधर बल्लेबाजों की वापसी भी हुई है भारतीय टीम में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इस लिस्ट में सबसे बड़ा रोमांचक नाम था महेंद्र सिंह धोनी का ना होना। दोस्तों, आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी का नाम गायब है। अगर हम बात करें भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में तो उसमें विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। ऑलराउंडरों में अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या भी शामिल हैं। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में होंगे खलील अहमद, दीपक चहर, नवदीप सैनी और उनके साथ साथ जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, आपको बता दें, सभी खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम उतर सकती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में। इसमें देखना यह होगा कि इस मुकाबले की सीरीज में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी महेंद्र सिंह धोनी ने रेस्ट ले लिया था। उनकी जगह हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वापसी अभी तक नहीं हुई। दोस्तों, आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर सेमीफाइनल के बाद काफी सारे सवाल उठ रहे थे, जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी ने फिलहाल क्रिकेट को अलविदा ही कह दिया है। इसी के लिए अब 2 सीरीज तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन BCCI के अनुसार ये पता चला है कि महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे भारतीय टीम की तरफ से। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या 2020 का T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह खेलते हैं या फिर उससे पहले ही महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेते हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।